Yes. So, if we want to start up with any type of gesture, ठीक है, अगर हमें gesture से start करना है. Yes, class, if we want to start up with any type of gesture, अगर आप, मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करना है अपने टच स्क्रीन मोबाइल्स पर या फिर टैबलेट्स पर, और आजकल तो लैपटॉप्स भी इस तरह के आते हैं कि वो कैसे होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं, ठीक है, तो हम उनपे इजीली अपने टच के थ्रू हम उस पर वर्क कर सकते हैं. एज यू कैन सी टच स्क्रीन मॉनिटर्स, ठीक है, इसी तरह से आते हैं टच स्क्रीन लैपटॉप्स ऑल्सो. और आजकल तो ऐसे लैपटॉप्स भी आते हैं जो कि फोल्डेबल होते हैं, आपने देखा होगा, आप उसको एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो और एज अ लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी लैपटॉप्स आ रहे हैं. बट वो कैसे होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है, तो लोग उनको ज्यादा प्रेफर नहीं करते बाय करना. ओके, सो अ टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन दैट यू कैन टच विद अ फिंगर टू इनपुट इन्फॉर्मेशन. मैंने आपको पहले भी बताया था टच स्क्रीन मोबाइल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था या फिर टैबलेट्स के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो वहाँ पे यही था कि हम डिफरेंट जेस्टर्स के थ्रू, अपने टच के थ्रू, अपने फिंगर्स के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं पर्टिकुलर मॉनिटर पे, पर्टिकुलर लैपटॉप पे, पर्टिकुलर टैबलेट्स पे, पर्टिकुलर स्मार्टफोन पर, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन डिवाइसेस आर टैबलेट्स, टच स्क्रीन मॉनिटर, स्मार्टफोन्स, किस कोर्स एंड ATM, ठीक है, ATM भी तो कैसे होता है, आपने यूज नहीं करे होंगे वैसे, पर ATM कैसे होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं. किस कोर्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिवाइसेस विच इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस. इसके अंदर लाइक यू कैन क्लिक द पिक्चर्स, ठीक है, ये इस तरह का डिवाइस होता है, नॉर्मल डिवाइस होता है, बट इसको बेसिकली लोग यूज करना प्रेफर नहीं करते बिकॉज इट इज कॉस्टली, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेब कैमरा. एज यू कैन सी दिस कैमरा, ठीक है, एक वेब कैमरा आपको दिख रहा होगा, पिक्चर आपको दिख रही है इजिली, ठीक है. अब वेब कैमरा, बेटा म्यूट योर माइक प्लीज, मैं आपको लास्ट के 5 मिनट्स दूंगी, अभी ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा ना, इसलिए. वेब कैमरा इज अ टाइप ऑफ वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग इमेजेस एंड वीडियोस. अगर आप नॉर्मली फोन यूज नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं फोन यूज नहीं करना चाहती, अगर आप चाहते हो कि आई डोंट वॉन्ट टू यूज एनी टाइप ऑफ फोन, डिजिटल कैमराज, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, वेब कैमरा यूज करोगे. और वेब कैमरा का सेम फंक्शन होता है जैसे कि हमारे डिजिटल कैमरा का होता है, एक तो इमेज कैप्चर करना या फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना. ओके, वेब कैम टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग. अगर आपको ये दिख रहा होगा, लोग इसको ज्यादा प्रेफर इसीलिए नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज आजकल के तो लैपटॉप्स में ही वेब कैम आने लगा है, ठीक है, वेब कैम हमारे लैपटॉप्स में ही अवेलेबल होते हैं. ये जो वेब कैम आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी होती है, लाइक अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है वहाँ पे, या फिर किसी फॉरेन कंट्री के थ्रू आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर इसको यूज करोगे बिकॉज इसकी, इस कैमरे की क्या क्वालिटी होती है, इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि इसके अंदर जो पिक्सल क्वालिटी होती है, अगेन डिजिटल कैमरा वाली बात, इसकी जो पिक्सल क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. ओके, वन मोर थिंग, आजकल हम लोग वेब कैम इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज अभी वेब कैम किसके अंदर आने लगा है, ये हमारे लैपटॉप्स के अंदर ही पहले से प्री इंस्टॉल्ड आने लगा है, ठीक है, तो हमें इसको अलग से डिवाइस को लाने की जरूरत नहीं है, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट इन दोनों में फर्क क्या होता है, जो हमारा लैपटॉप वाला कैमरा होता है और एक होता है वेब कैम वाला कैमरा, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो लैपटॉप वाला जो कैमरा होता है वो कैसा होता है, वो पुअर क्वालिटी का होता है एज कम्पेयर टू वेब कैमराज, ठीक है. Now the next thing is output devices. Output devices enable the computer to show you the desired result and information. मैंने आपको पहले भी बताया था output devices क्या करता है, जैसे कि speakers के through आप क्या कर सकते हो, आप अपनी sound listen कर सकते हो, जैसे कि आप monitors के through क्या कर सकते हो, आपके आपके जो भी आप input दे रहे हो उसके बारे में आप जो भी input दिया हो, जैसे कि आपने किसी working के लिए input दिया, जैसे कि आपने video के लिए कोई भी input दिया, तो आप किस पर देख सकते हो वो, monitor screen पर या फिर laptop screen पर. Okay, so these are type of input devices. Now there are some more type of input, output devices, जो कि है, there are mainly different type of printers. Printers भी आपको पता होगा, printer output device कैसी है, because इसके through हमें क्या मिलता है, page printed form में मिलता है, because इसमें हमें क्या मिलता है, page printed form में मिलता है, that's why it is known as a output device. Because हम लोग input देते हैं through a keyboard, और keyboard से उसके बाद फिर वो input जाता है CPU में, और CPU फिर क्या करता है, उसको आउटपुट के थ्रू, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू उसको कन्वर्ट कर देता है. आउटपुट डिवाइस से क्या निकल के आता है हमारे पास, प्रिंटर के थ्रू हमारा पेज बाहर निकल के आता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आउटपुट डिवाइस. नाउ प्रिंटर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज
dot matrix printer. This printer contains a movable printer print head and pins that strike the ribbon, placing a dot on the पेपर. अब इस टाइप ऑफ प्रिंटर, ये जो डॉट प्रिंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे, ये हम लोग बहुत ही पहले के टाइम्स में यूज करते थे. ठीक है, तो जब हम लोग पहले के टाइम्स में इसको यूज करते थे, तब हमारे ये काम में आता था ये वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दिस प्रिंटर आर लेस एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ही कम एफोर्ड कर सकते हैं मनी. ठीक है, जो कि बहुत कम पे करना चाहते हैं फॉर प्रिंटर, दोज पर्सन आर यूजिंग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बट आर वेरी नॉइजी. ये लोग ये जो प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंट करवाते टाइम बहुत ही ज्यादा इनसे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. दैट्स वाई इनको लोग कम प्रेफर करते हैं यूज करना. एंड वन मोर थिंग, इट इज वेरी इट इज अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस, तो इसको इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं लेना. बट जस्ट बिकॉज इसकी नॉइज की, साउंड की वजह से, और एक पुअर क्वालिटी, जब आप प्रिंट करके लाओगे इसमें से पेज की, तो उसकी क्या होगी, पुअर क्वालिटी होगी, तो इस वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं. सिर्फ वही लोग प्रेफर करेंगे जो कि कम मनी मतलब वहां पर देना चाहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंजेक्ट प्रिंटर. दिस प्रिंटर फॉर्म्स लेटर्स एंड इमेजेस ऑन द पेपर बाय स्प्रेइंग स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्विक ड्राइंग इंक. इसमें क्या होती है, एक ऐसी इंक होती है इस प्रिंटर के अंदर, हम लोग ऐसी इंक डालते हैं जो कि बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है. ओके, जैसे ही हम लोग प्रिंटिंग मशीन के अंदर कोई भी पेज डालेंगे, ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको वेट वे में मिलेगा, वो आपको तभी के तभी ड्राई हो जाएगा इंस्टेंटली. द स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज गिवन इन LPM, लाइंस पर मिनट. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रिंट करवा के दे देता है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, वो साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा था, और उसकी पिक्सल क्वालिटी भी कम थी, तो इस वजह से हम लोग उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं. और आजकल वी आर यूजिंग लेजर प्रिंटर. ओके, इन टूडेज सिनेरियो वी आर यूजिंग लेजर प्रिंटर, जो कि आज बहुत ज्यादा यूज होता है, और उसके बाद काफी शॉप पे आपको इंजेक्ट प्रिंटर भी मिल जाएगा. ओके, सो लेजर प्रिंटर इज यूज इट यूजेज लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द इमेजेस. इसके अंदर से लेजर्स निकलती हैं जब आप पेपर डालते हो इसके अंदर. दिस गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड आर मोस्ट एक्सपेंसिव. ये इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं जस्ट बिकॉज ये जो क्वालिटी आपको देते हैं, ठीक है, जो कि पिक्सल क्वालिटी होती है, जो कि वर्ड क्वालिटी होती है, वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दिस टाइप ऑफ प्रिंटर, मतलब दिस टाइप ऑफ प्रिंट. इनकी क्वालिटी अच्छी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज पेजेस पर मिनट. मतलब जितने पेजेस आप एक मिनट के अंदर प्रोड्यूस कर पाओगे, उतनी ही अच्छी इसकी स्पीड मिलेगी आपको. और इसकी क्या थी, लाइन्स पर मिनट, तो ये थोड़ा इससे लो क्वालिटी हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सम अदर आउटपुट डिवाइसेज आर LCD प्रोजेक्टर. आपने सबने देखा होगा LCD हम लोग क्यों यूज करते हैं. ठीक है, हम लोग अगर इफ यू वॉन्ट टू बेटर म्यूट योर माइक प्लीज, इफ यू वॉन्ट टू जस्ट वॉट बेटा, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी. एक मिनट में दोबारा करती हूँ, वेट अ मिनट. अच्छा ओके, तो इसकी वीडियो मतलब इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज LCD प्रोजेक्टर. LCD आपको पता होगा कि क्यों यूज करते हैं, आपने देखा होगा इफ इन स्कूल्स. ठीक है, स्कूल्स में क्या होता था, जो सीनियर क्लासेस होती थी, ठीक है, उनको मैम किसके थ्रू पढ़ाती थी, पहले LCD प्रोजेक्टर के थ्रू. इससे क्या होता है, अगर आपने ये LCD प्रोजेक्टर लगाया अपनी क्लास में, ओके, आप जो LCD प्रोजेक्टर आपकी स्मार्ट क्लासेस में भी होता था, 8 तक आपने देखा होगा, आप यूज़ करते थे इसको LCD प्रोजेक्टर को. आपको आपके सामने बोर्ड होता था, और इससे LCD प्रोजेक्टर के थ्रू क्या आ जाता था आपके पास, वीडियोज, यू आर एबल टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज, यू आर एबल टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिप्स ऑल्सो आप वहाँ पे देख पाते थे. आपको याद होगा 8 तक आपने खूब LCD प्रोजेक्टर यूज किया क्लास के अंदर. ओके, दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले वीडियोज, इमेजेस और कंप्यूटर डेटा ऑन अ लार्ज स्क्रीन. आपने देखा होगा वहाँ पे आपके क्लासरूम में एक व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होता था, और उस व्हाइट बोर्ड पे क्या होता था, वो सारा LCD प्रोजेक्टर की जो भी आप क्लिप देखना चाहते थे, जो भी वीडियो देखना चाहते थे, वो ऑटोमेटिकली टीचर जब ऑन करता था, वो उसके ऊपर आ जाता था. इट प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू द सर्फेस बाय पासिंग लाइट ओवर एन LCD पैनल. इट इज यूज वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको किसी भी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, LCD प्रोजेक्टर यूज कर सकते हो. और इसका बेसिकली या तो स्कूल्स में, या फिर कॉलेजेस में, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज में यूज होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्लॉटर. ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे.
दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर मेकिंग लार्ज पेपर पेपर ड्रॉइंग सच एज कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज फॉर ड्रॉइंग पेपर कंस्ट्रक्शन प्लॉटर क्यों यूज करते हैं हम लोग. अगर हमें पेपर पे कुछ भी ड्रॉ करना है, हमें एग्जैक्ट चीजें ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आप इसलिए यूज करते हो प्लॉटर्स. ठीक है, और इसका मेनली यूज कहाँ पे होता है, मैप्स और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स. इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स आप कहाँ पे करोगे, अगर आपने बीटेक किया या फिर कोई भी इंजीनियरिंग करा या फिर एमटेक करा, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, प्लॉटर्स यूज करोगे. ओके, फॉर इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पर्पसेस. वो आपको बाद में क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा, बट बेसिकली आप छोटे हो तो इसलिए आप इतना समझ जाओ कि इसको मैप बनाने के लिए यूज करते हैं. ओके, मैप जब बनाते हैं हम लोग, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप, जहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं एसएस में, हम लोग वहाँ क्या यूज करते हैं, वहाँ पे प्लॉटर यूज करते हैं. प्लॉटर यूज करने के बाद फिर तो हम वहाँ पर फोटोकॉपी मशीन यूज कर सकते हैं, फिर वो सारे मैप्स हम लोग क्या करवा लेते हैं, फोटोकॉपी करते हैं. ओके, अगर आपको एग्जैक्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर मैप चाहिए तो आप किसका यूज करोगे, प्लॉटर का यूज करोगे. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लॉटर इज ड्रम प्लॉटर. दिस प्लॉटर कंटेन्स अ ड्रम और अ रोलर ऑन विच अ पेपर इज प्लेस्ड. इसके अंदर एक ड्रम होता है और एक पेपर होता है, जिस पर एक रोलर होता है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर प्लेस करते हैं. आपको ये दिख रहा होगा ड्रम प्लॉटर, इसके अंदर एक ड्रम होता है, वो इंटरनल होता है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट इस पर्टिकुलर प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है. द ड्रम रोटेट्स बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस अ ग्राफ ऑन द पेपर. ये ग्राफ प्रोड्यूस करवाता है. ओके, द ड्रम प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी. जहाँ पर भी आपने देखा होगा, जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो पहले से पता लगा लेते हैं कि आपका अर्थक्वेक कब आने लगता है, मतलब आपको ये पता लगने लग जाता है पहले ही से उन लोगों को पता होता है. कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो हाई मतलब काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं चीज़ का यूज़ करते हैं, उनको पहले से अर्थक्वेक की एक्टिविटी पहले से पता चल जाती है. और वो किसके थ्रू कर सकते हैं, द ड्रम प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटीज. अगर उनको अर्थक्वेक एक्टिविटी को प्लॉट करना है, मतलब जॉट डाउन करना है अपने पेपर पर, तो किस चीज़ का यूज करेंगे, ड्रम प्लॉटर का यूज करेंगे. द सेकेंड वन इज फ्लैट ब्लेड प्लॉटर. This plotter plots on paper that is spread and fixed over a rectangular flatbed table. It is used in designing of cars, ships, aircrafts, buildings and highways. इसको किस लिए यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा, आपको अगर जैसे कि मैंने कोई भी फ्लैट है, ठीक है, मेरे पास, लाइक मैंने कोई सोसाइटी जनरेट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले हम उसका पूरा क्या करते हैं, उसकी पूरी ड्राइंग, ठीक है, एक पेपर पे जॉट डाउन कर लेते हैं. आपने देखा होगा अगर आप कोई भी फ्लैट देखने जाते हो, आपने देखा तो नहीं होगा वैसे, बट मैक्सिमम ऑफ यू पीपल हैव सीन दैट, अगर आप कोई भी फ्लैट देखने जा रहे हो तो उस फ्लैट का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक पेपर के फॉर्म में दिखा देंगे. आपको ये दिखा देंगे कि ये वाला रूम यहाँ पे लेफ्ट में लोकेट होगा, ये वाला रूम यहाँ पे राइट में लोकेटेड होगा, तो वो पूरा मैप टाइप का आपको उस पर्टिकुलर पेपर पे आपको शो कर देगी. तो वहाँ पे कौन सा प्लॉटर यूज करते हैं, वो फ्लैट ब्लेड प्लॉटर यूज करते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपको कोई नई कार डिजाइन करनी है, किसी भी टाइप ऑफ नई कार डिजाइन करनी है, ठीक है, तो वो कार का जो आउटर लुक है, ठीक है, वो किस पेपर पे डिजाइन करते हैं, वो फ्लैट ब्लेड प्लॉटर के थ्रू उस पेपर पे डिजाइन करते हैं. जस्ट बिकॉज वो आप चाहते हो कि आपकी कार किस तरह की दिखनी चाहिए, उसके बाद ही तो वो उस पर्टिकुलर कार को बनाएंगे. पहले उनको ये तो पता होना चाहिए कि कार दिखनी कैसी चाहिए, अगर आप कोई भी नई कार जनरेट करना चाहते हो तो वो किसके थ्रू हो पाता है, वो फ्लैट ब्लेड प्लॉटर के थ्रू हो पाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंजेक्ट प्लॉटर. ये किस टाइप ऑफ प्लॉटर होता है, दिस प्लॉटर क्रिएट्स एन इमेज बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर. इसमें थोड़े से ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं पेपर पर. इट इज यूज्ड एज डिजाइनिंग बैनर्स, बिलबोर्ड्स एंड रोड साइंस. आप इसको ऐसे याद मत रखो, आप इसको ऐसे याद रखो कि इसकी एप्लीकेशन क्या है. जैसे कि ड्रम प्लॉटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटी को यूज मतलब जानने के लिए. फ्लैट ब्लेड प्लॉटर क्यों यूज करते हैं, कार शिप्स ये सब मतलब इनकी डिजाइनिंग करने के लिए. और एक इंक जेट प्लॉटर क्यों यूज करते हैं हम लोग, बैनर्स, अगर आपने देखा होगा रोड पर बैनर्स लगे होते हैं, स्कूल के बैनर्स लगे होते हैं, कॉलेजेस के बैनर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इंजेक्ट प्लॉटर यूज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज इसमें इंक का वर्क होता है मेनली. ओके, मतलब कलरफुल इंक्स का. ओके, नाउ वन मोर थिंग क्लास, आपके जब भी एग्जाम होंगे मैं उससे पहले आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी इन द फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है, तो आपको अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो. ओके, एंड यू कैन जस्ट शेयर योर क्वेरीज विद मी. ओके, सो नाउ you can tell me your different type of queries.